नमस्कार, ये बच्चे हमारे पटियाला के कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में हुए थे। वहाँ भी इनको एक दिन के लिए नर्सरी में रखा गया, लेकिन उसके बाद इन बच्चों के माता पिता को हमारे हॉस्पिटल की नर्सरी का पता लगा, तो यहाँ पे हमने एडमिट किया इनको। इतने छोटे बच्चों को नर्सरी में एडमिट करना एक चैलेंज होता है। एक बच्चा 770 ग्राम का है था और एक बच्चा 1250 ग्राम का। तो जो एडवांस टेक्निक्स जितनी भी पॉसिबल थी उनका भी हमने सहारा लिया, और साथ के साथ जो नेचुरल इनकी केयर करनी थी उसका भी हमने पूरा ध्यान किया, उसके साथ इनका आगे ट्रीटमेंट किया गया। उसके साथ इनकी अच्छी ग्रोथ हुई बच्चों की धीरे धीरे करके। पहले हम इनको ड्रिप से ही दे रहे थे भोजन सारा, जैसे माँ के पेट में बच्चे को ड्रिप से भोजन मिलता है। उसके बाद हमने इनको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के, नाक में ट्यूब डाल के उससे भी फीड देना शुरू किया। अब हम मुँह से भी दूध दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके इनको। बाकी जैसे इनके मॉनिटरिंग करनी होती है, मॉनिटर के साथ हमने इनका हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन ये सब देखा। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने इनको एक दिन भी ऑक्सीजन नहीं लगाई बच्चों को, और डेली हमने इनको नहलाया है, डेली मालिश करी है इनकी बच्चों की। और सिस्टर जितना स्टाफ नर्स है यहाँ पे, जो टीम है हमारी आरएमओ है, स्टाफ नर्स हैं, उन्होंने काफ़ी क्लोज इनकी मॉनिटरिंग की है। अक्सर गोदी में भी काफ़ी देर रखा है इनको, पोजीशन बार बार चेंज करते रहे हैं। हर 2 घंटे बाद इनका यूरिन आउटपुट, स्टूल आउटपुट और जो इनटेक है इसका बड़ा क्लोज मॉनिटरिंग करी, जिससे कि ये बच्चे एक्टिव हैं पूरी तरह से और इनके पेरेंट्स बड़े खुश हैं। इनके पेरेंट्स इतना खुश हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि हाँ अभी ये बच्चे आगे अच्छे रहेंगे। लेकिन हमने इनको चेताया है कि समय समय पर इनको दिखाते रहें बच्चों को आगे जब डिस्चार्ज होंगे उसके बाद, और इनका जैसे आँखों की जांच, इनकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, इसके बारे में भी जांच कराते रहें, हमें दिखाते रहें बार बार। और हमारी उम्मीद है कि ये बच्चे एक नॉर्मल बच्चों की तरह से ग्रो करेंगे और हम इनका आगे भी फॉलोअप लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद।